समाज सेवा में अग्रसर मां शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 7 जनवरी रविवार को आयोजित भव्य समारोह में वकीलों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में पूर्व न्यायाधीश एल जोशी, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एवं सेफ्टी के द्विवेदी व पूर्व न्यायाधीश निर्मल मिंज तथा वैशाली नगर विधायक रिके सेन विशेष रूप से शामिल हुए। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर सामाजिक व्यवस्था व अपने अपने में सकारात्मक योगदान देने वालों का सम्मान सदैव किया जाता रहा है। इस बार भी ट्रस्ट द्वारा न्याय प्रणाली से जुड़े वकीलों के सम्मान का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत रविवार को अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। बताना चाहेंगे, माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हमेशा से ही शिक्षा के स्तर को जहाँ बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ समाज के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन की खास झलकियाँ। पूरे एजुकेशन हब जरूर है, लेकिन एजुकेशन हब बनाने में जिन लोगों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है हमारे सब गुरु। तो जितने गुरुजन हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया माँ शारदे। और माँ शारदे का अर्थ ही हमारा गुरुओं के साथ चालू होता है, बच्चों के साथ। उसके बगैर कहीं भी जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा एक ऐसी दिशा है जो पूरे व्यक्ति का भविष्य तय करता है, उसके जीवन का एक आधार और पूंजी है। और उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम रखा है अटल सम्मान समारोह। तो पहले तो मैं अटल जी को बहुत प्रणाम करती हूँ, विनम्र सादर नमन करती हूँ। अटल एक ऐसा शब्द है जो हमारे सोच के साथ जुड़ता है। जो व्यक्ति अटल है, विश्वास अपने आप में जो रखता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। चाहे वो समय आगे हो पीछे हो, लेकिन उनके आगे जाने में कहीं कोई कमी नहीं होती। ये बात इस बात को चरितार्थ करता हमारे अटल जी वास्तव में हम सब की सोच उनके साथ जुड़ती है। मैं अपने उन सभी अधिवक्ता साथियों को प्रणाम करती हूँ, साथी को बहुत स्वागत करती हूँ उनके साथ, सभी और भी हमारे ट्रस्ट के सभी साथियों का आयोजन माँ शारदा चैरिटेबल के माध्यम से इस अमित पार्क के हॉल में रखा गया है। इसमें मेरा सौभाग्य है के सम्मान को देने के लिए, और ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पे है, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे समाज सेवी हो, जिनको जो एडवोकेट यहाँ पे बैठे हैं उन लोग एक शहर में ही नहीं प्रदेश के नाम हैं। चाहे वो हमारे आदरणीय राजकुमार तिवारी जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे रविशंकर सिंह जी हो, सभी लोग यहाँ पे, इनाम जी हो, सभी लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी बड़ी शख्सियत हैं। आप लोग समय निकाल के इस अटल, क्योंकि आप लोग की मैं व्यस्तता देखता हूँ, कभी जब आप लोग से मुलाकात होती है तो ऑफिस पे आप लोग के जाना होता है या कोर्ट में, मैं देखता हूँ पूरे शहर को, क्योंकि केस जो है, बोलते हैं ना, हम लोगों का राजनीति में इसलिए पदार्पण होता है कि समस्या होता है, और समस्या जिस दिन खत्म हो गई उस दिन नेता नहीं चुने जाएंगे। तो वैसे ही जीवन में आए हैं तो कोर्ट कचहरी ये सब का भी पाला पड़ता ही है हर इंसान को, चाहे अलग अलग विषय होते हैं, उस विषय में आप लोग की सहभागिता होती है कि उनको सही मार्गदर्शन देना, और मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग के यहाँ लेने वालों की जो भीड़ होती है वैसे ही भीड़ होती है जैसे मेरे यहाँ भी जनदर्शन में लगता है, उस चीज़ को मैं समझता हूँ। और वैसे समय में आप लोग ट्रस्ट के माध्यम से एक समाज सेवा के लिए काम के लिए निकले हैं। स्वयं सिद्धा एक बड़ा नाम है, जो हमारी दीदी बड़ी मेरी बहन, उनका भी आशीर्वाद मुझे विशेष रूप से रहता है, सोनाली चक्रवर्ती जी, उनका आप देखेंगे महिलाओं में, महिला सशक्तिकरण में, महिला के जागरूकता में उन्होंने जिस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए हैं, और लगातार जो महिलाएं उनसे जुड़ते चले जा रही हैं, और हर क्षेत्र के लोग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई हाउस वाइफ है वही जुड़ी हुई है, अलग अलग प्रोफेशन में काम करने वाले लोग सब लोग स्वयं सिद्धा से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही शपथ फाउंडेशन, बड़े भी अशोक गुप्ता जी, उनका भी बड़ा योगदान है, शपथ फाउंडेशन के माध्यम से कई अनेक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे सभी लोगों को यहाँ पे अटल सम्मान समारोह के माध्यम से जितने भी चैरिटेबल के जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि अपना समय निकाल के आप लोग इस सम्मान कार्यक्रम में आप लोग सब उपस्थित हुए हैं। और संतोष राय जी, क्योंकि हमेशा कुछ अलग करने की उनकी चाह रही है, और संतोष भैया ने बताया है
सिर्फ इस शहर को नहीं, इस प्रदेश को, कि कैसे एक कोचिंग क्लास के माध्यम से बच्चों को तैयार किया जा सकता है। और आज मैं समझता हूँ कि उनके जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं वो देश भर में अलग अलग विभिन्न स्थानों पे इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं संतोष सर जी को बताएंगे। माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजन का उद्देश्य इस प्रकार से बताया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का सम्मान होता है, समाज सेवा में काम करने वाले समाज सेवकों का सम्मान होता है, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सम्मान होता है। लेकिन जब कभी कोई तकलीफ या मुसीबत होती है तो उस समय हम अपने वकील अधिवक्ता भाइयों के पास जाते हैं। उनका आज तक कहीं सम्मान समारोह नहीं किया जाता है, इसलिए कंप्लीट रूप से अधिवक्ता भाइयों के सम्मान के लिए किया गया था। और उन्होंने साफ तौर से इस बात को भी कहा कि अगर कोई मजबूर व्यक्ति न्याय के लिए आएगा तो उसके काम को ये लोग बेहतर तरीके से करें। आज कुल 29 अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया, साथ साथ में दो ऐसी संस्थाएं जो बेहतर काम कर रही हैं, स्वयं सिद्धा की डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी और उनकी टीम, और शपथ फाउंडेशन के अशोक गुप्ता जी का आज सम्मान किया। माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर इनोवेशन, नई चीज़ों पे विश्वास रखता है और हरदम नया कुछ करने की कोशिश करता है। ऐसे आगे आने वाले समय में ऐसे शिक्षकों का सम्मान शिक्षक सम्मान समारोह में किया जाएगा जो किसी स्कूल कॉलेज से संबंधित तो नहीं है, लेकिन गांव देहात में घर परिवार में बैठ करके लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इस बार उनका सम्मान किया। बहरहाल इस आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। PCN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।